सोचा था कि होली वाला दिन जो है ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, बट अचानक उस दिन मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। लाइक मुझे एसिडिटी हो गई थी जब से अरु हुआ है, लाइक जब से मेरा ऑपरेशन हुआ है बेबी होने के बाद में, तो पता नहीं मुझे बहुत एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। अब बिलीव नहीं करो कि मैं इतना ज़्यादा प्रिकॉशन ले रही हूँ। लाइक सुबह में मैंने चाय लेना बिल्कुल बंद कर दिया है, चाय की जगह मैंने जूस को रिप्लेस कर दिया है। उसके बाद में पानी भी मैं ज़्यादा से ज़्यादा पीने लगी हूँ। फिर पता नहीं बीच बीच में मुझे क्या हो जाता है। खाना भी जितना कोशिश करती हूँ कि टाइमली खाया जाए, तो इसीलिए शेयर नहीं किया। बट कुछ कुछ फुटेज जो है लाइक खाने पीने की जो मैंने बनाया था वो मैंने रिकॉर्ड कराया है, तो वो आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। तो अभी जो है शाम के लगभग 4 बज गए, और ये देखो ये कपड़े जो है ना सबको सेक्शन वाइज करके, तो सर्दियों के कुछ काम बाकी है तो आज सबको निपटाऊँगी। लाइक ब्लैंकेट वगैरह रखना है तो वही करना है। एंड ये जो है ना देखो पवन का गंदा शर्ट जो है, बहुत दिनों से ये गंदा वाला शर्ट वहाँ पे हैंग किया था क्योंकि उनके ऑफिस भी अब स्टार्ट हो चुके हैं, तो रेगुलर उनको सुबह में निकल जाते हैं एंड रात को आते हैं, तो बेचारे को टाइम नहीं मिलता ऐसे वो अपना कपड़ा वगैरह खुद कर लेते थे। इसको मैं जस्ट सोख करके रख दूँगी सर्फ में, उसके बाद में मैं शाम को जो है धो दूँगी। और ये जूस का कपड़ा देखो, आप लोगों को लग रहा होगा ये गंदा है, लेकिन ये गंदा नहीं हो मीन्स आप क्या कपड़े से अगर जूस निकालोगे ना, तो जूस निकालते निकालते इसका कलर जो है वो बिल्कुल ऐसा हो जाता है। तो इसको ये भी सूख गया है, तो इसको मैं गर्म पानी में जस्ट वॉश करके रोज़ धूप में डाल देती हूँ। तो इसको भी मैं जगह पे रख देती हूँ। ये लोग देखो बैट बॉल खेल रहा है बेचारा, लोग एकदम भी ये रखो इसको। अरे अरे क्या हो गया, दोनों भाई खेलते खेलते आपस में इतना लड़ जाते हैं ना, एंड कब लड़ जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। अरु देखो ये क्या है, ये है ककड़ी। कल मुझे ककड़ी खाने का मन हो रहा था तो मैंने पवन को बोला था, तो ये बड़ा बाजार से ये ककड़ी लेके आए थे, तो इसको अभी जस्ट वॉश करके एंड थोड़ा सा पेट पूजा करूंगी। वो ख़राब है, इसमें पूरे में कीड़े लगे हुए थे, इसे मुझे फेंकना पड़ेगा। तो ये होता है मन से आप कुछ उठाओ ना खाने के लिए एंड ऐसा ही हाल होता है। जब भी शूट करना हो तो मैं निकालूंगी। एंड अभी आपको मेरा बेड पूरा लगा हुआ है इधर कपड़े उधर कपड़े, एक्चुअली कल भी हमें कहीं जाना है तो उसके लिए बस मैं सारे कपड़े फोल्ड करके रखूंगी, कल भी जाना है उस कपड़ों को उठाऊंगी। बट सुबह से हेल्दी आज कुछ भी नहीं खाया है, तो बस फटाफट कपड़े उठाऊंगी। उसके बाद में आज मुझे कवर को भी ऑर्गेनाइज करना है। दाल को मैंने पीस के रख लिया था, अब इसमें मैं डालूंगी जीरा। बहुत लोग जीरा नहीं डालते, अदरक भी डालते हैं, बट मुझे जीरा डाल के ज़्यादा अच्छा लगता है। अकॉर्डिंग नमक का ध्यान रखना है कि जब भी आप लाइक इसको फेटते हो ना, एक ही डायरेक्शन में फेटना है ताकि जो हवा है वो बहुत अच्छे से निकल जाए एंड आपका बड़ा जो है वो फ्लफी बनेगा। आप अगर एक बार ऐसे और एक बार ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में फेटोगे तो बड़ा उतना अच्छा नहीं बनता, ये मैंने बहुत बार लाइक नोटिस किया है। तो एक ही डायरेक्शन में आपको बिल्कुल 5 मिनट तक अच्छी तरह से फेटना है। Let me stay with you. तो यहाँ पे मैंने देखो धनिया जीरा और मिर्ची को ड्राई रोस्ट कर लिया है, इसका मैं पाउडर बनाऊंगी। एंड यहाँ पे दही के लिए मीन्स दही वड़ा के लिए मैंने दही में सिर्फ नमक को फेटा है इस तरह से। तो ये कवर्ड की हालत देखो, इसमें एक्चुअली रहता है अरु के जो है बुक्स कॉपीज,
तो अभी जो सेशन है ओवर हो चुका है एंड ये हालत देखो किसके किसके बच्चों की जो कवर्ड है ना ऐसी रहती है ये देखो अभी ड्राइंग ही नहीं दिखाना अरुण रूम का बेटा पूरा जो कबाड़ है ना इसमें कौन कौन सा काम का है कौन कौन सा काम का नहीं है सब कुछ मुझे निकालना है सब कबाड़ ये देखो इतना सारा पता नहीं यार क्या क्या है मीन्स क्लीन करने में ना यार हालत खराब हो जाती है बच्चों को तो टिशू तो फिर भी अभी अपना कर लेता है लेकिन इसका सब कुछ मुझे करके देना पड़ता है तो आप लोगों को एंड घर में जगह नहीं ये सेक्शन में सोच रही यहाँ पे मैं क्रॉकरी रखती हूँ ऊपर में मुझे बड़ा मन है कि मैं क्रॉकरी का कलेक्शन बनाऊँ एंड यहाँ पे रखूँ तो फिर भी अभी किताब को भी रखने का बहुत ज्यादा तो मैं सोच रही हूँ वो जो है वो अरु का कर दे रही हूँ ड्रॉर एंड ये जो है रिशु का कर दे रही हूँ ताकि नहीं स्पेस तुमको ज्यादा मिल जाता रिशु ये देखो ये मुझे क्या मिला खजाना ये पिछले साल का है स्कूल खुला ही नहीं तो इस तरह की एक्टिविटी नहीं हुई थी तो पूरा बचा हुआ था तो ये मेरे काम आ जाएगा एंड ये देखो हालत देखो अभी पूरा फैला हुआ है तो पता नहीं मुझे कितना टाइम लगेगा नीचे का तो लगभग थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर दिया है आप करी थी ना तो मुझे खजाना मिला जब मैं लाइक टीन एजर भी जब 17-18 साल की थी तो मेरी मम्मी ये मैगजीन बहुत ज़्यादा पढ़ा करती थी ऐसी आंटी को ये जो बुक है ना वो देख के अपनी लाइक जो जवानी है वो याद आ गई है गृह शोभा गृह लक्ष्मी कितना चला करते थे एंड हम सब मीन्स इसको पढ़ते थे क्योंकि उस टाइम ये देखो सौंदर्य समस्या बहुत सारे लोग सौंदर्य समस्या पूछा करते थे उस समय तो नेट नहीं हुआ करता था यार तो बस मैगजीन में ही हम सारी समस्याओं के समाधान खोजा करते थे तो ये देख के मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा ये बहुत पुराना मैगजीन है मेरी मम्मी के घर से शायद मैं लाई थी जब मेरी शादी हुई थी 2010 में कि थोड़ा टाइम पास हो जाएगा तो इसको देख के बिल्कुल पुरानी यादें जो है ना ताज़ा हो गई है लेकिन सच में वो भी दिन बहुत जब याद करो ना तो बहुत अच्छा सा लगता था कि मीन्स नेट नहीं था जब भी समय मिलता था हम मैगजीन पढ़ते थे या फिर आपस में कुछ खेल खेला करते थे अभी फ़ोन ने हाँ हमारी लाइफ चेंज हुई है बट फोन के आने से मुझे ऐसा लगता है ना कि हम कहीं ना कहीं बहुत गुम हो गए हैं सब अपने अपने फ़ोन में लगे रहते थे जब फ़ोन नहीं था तो मुझे ऐसा लगता था वो टाइम फैमिली के नज़रिए से अगर आप देखोगे ना तो बहुत अच्छा था मैं गलत भी हो सकती हूँ अगर आप मुझसे एग्री करते हो तो प्लीज़ बताइएगा तो ये बुक देख के मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा बहुत देर लग गई बहुत सारा मीन्स नए कॉपी सब मिक्स हो गए थे तो सब कुछ हटा है थोड़े थोड़े कॉपी जो बच जाते हैं ना यार वो बहुत प्रॉब्लम करता है देखो आजकल मीन्स अगर आपने एक न्यूज़ देखी होगी ना तो अभी पेपर की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज चल रही है पेपर की शॉर्टेज की वजह से चेन्नई में जो बच्चों के एग्जाम है ना वो रद्द कर दिए गए हैं तो मुझे पेपर वेस्ट करना बिल्कुल किसी भी तरह की वेस्टेज मुझे पसंद नहीं है चाहे वो खाने की हो कपड़े की हो या किसी भी तरह की क्योंकि एक एक चीज़ को खरीदने में ना यार उसमें हमारी मेहनत लगी रहती है मेहनत के पैसे रहते हैं वो तो बस अभी जो है अभी चाय की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि सुबह में तो मैंने चाय छोड़ दिया लेकिन शाम को तो एक कड़ाके वाली चाय बनती है थोड़ा सा पानी एंड मैं जो है अभी चीनी रिशु साउंड इतना क्यों है एंड मैं जो है अभी चीनी के साथ में चाय को नहीं पीती हूँ या गुड़ जब तक चलेगा मेरा गुड़ ही चलेगा तो ये गुड़ क्योंकि गुड़ को घुलने में टाइम लगता है तो दूध के साथ ही बोलो कि दी चाय की रेसिपी है क्या चाय की रेसिपी नहीं है बट थोड़ा सा गुड़ जो है ना मेल्ट होने में टाइम लगता है तो इसीलिए मैंने दूध के साथ ही जो है दे दिया सो मैंने चाय बनाया एंड मेरी देवरानी का फ़ोन आ गया क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि आज छट्टी है तो उनका जो बेबी हुआ है तो उनसे बात होने लगी एंड ये देखो
बिल्कुल चाना चूर थोड़ा सा था, तो लास्ट में जो बचता है उसका खाने का मजा ही और है। एंड इधर पे मेरा जो जीजी प्लांट है वो देखो कितना बड़ा हो गया है, तो बस अभी सब्जी कुछ नहीं है, देखते हैं पवन क्या लेके आते। फोन किया था कि सब्जी में कुछ चाहिए तो बोलो, तो मैंने बोला आप अपना समझ के ले लो क्या लेना है लेने लेना, तो देखते हैं वो क्या लेके आते। उसके बाद मैं लाइक खाना बनाने की तैयारी करूंगी। एंड जो भी सर्दियों के कपड़े थे लाइक फाइनली सर्दियों के काम जो है फिनिश हुआ है, सारा कुछ धो के मैंने अच्छे से पैक करके रख दिया है सर्दियों के लिए। अभी बस कल की पार्टी के लिए, कल कहाँ जाएंगे वो आप लोगों को ज़रूर साथ में लेके जाएंगे। तो कल की पार्टी के लिए मुझे डिसाइड करना है कि मैं क्या पहनूंगी। थोड़ी सी नेल पेंट लगाऊंगी, पता नहीं अब मेरा ना नेल पेंट लगाने का बिल्कुल मन ही नहीं करता है। पहले मैं बिना नेल पेंट के रहती नहीं थी, बस थोड़ा सा भी अगर मेरा नेल पेंट चैपिंग हो जाता था ना, जस्ट उससे रिमूवर से हटा के। एंड मेरी मम्मी मुझे बहुत ज़्यादा बोला करती थी कितना नेल पेंट लगाती है, ऐसे करती है वैसे करती है। अब तो मेरा नेल पेंट लगाने का आदत ही छूट गया। बट कल मुझे जाना है, तो मेरी सिस्टर ने इंस्ट्रक्शन दी है कि अच्छे से रेडी हो गया आना। तो अभी सब्जी में आया है भिंडी, तो डिनर के लिए मैं भिंडी बनाऊंगी। एंड ये मटर जो है अभी छील के रख दूंगी, सुबह में पवन को जाना रहता है तो सूखी सब्जी मटर एंड आलू की बना दूंगी। अभी भिंडी जो है रिशु का फेवरेट है तो इसीलिए मैंने मंगवाया है। तो अभी जो मैं रिशु को ये काम दे रही हूँ, रिशु क्या मटर छिलने का काम आपका बेटा क्या बन रहा है? अभी भिंडी बनाएंगे, और इधर जो मैं टमाटर को लाइक रोस्ट करी, रोस्ट करके इसकी चटनी बनाऊंगी। एंड पवन के लिए कॉफी बनाना है। और ये है मेरे दो लव बर्ड्स, लड़ते हैं झगड़ते हैं लेकिन एक साथ में रहते हैं, तो यही होता है बचपन का प्यार। आई होप इन लोगों के बीच का प्यार हमेशा बना हुआ रहे। तो काम कर करके थक गई यार, बस खाना वाना भिंडी की सब्जी टमाटर की चटनी ये सारी चीज़ें बना दी। एंड ये देखो मेरी हालत देखो, तो गर्मी इतना ऐसा लग रहा ना मई जून की गर्मी आ गई है। अभी मेरा जो है कुरकुरे खाने का प्लान है। ये कुरकुरे किस किस को अच्छा लगता है ये कुरकुरे बताना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसका बस ग्रीन वाला फ्लेवर मुझे उतना ज़्यादा पसंद नहीं है। ये पिंक वाला नेल पेंट लगाओ, क्योंकि पहले मेरे पास ना नेल पेंट के बहुत सारे कलेक्शन रहते थे, अब नहीं रहते हैं, बस इक्का दुक्का ही है। तो उसमें से मैं पिंक वाला आज लगाऊंगी मीन्स अपने नेल पे, तो इसको लगाती हूँ। तो चलो अभी बहुत सारे काम है मुझे, तो आज का ब्लॉग जो मैं है यहीं पे ख़त्म करती हूँ। ब्लॉग किसी भी रीज़न पे अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। प्लीज़ 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 डू सब्सक्राइब। अगर आपको थोड़ा सा भी मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है देखने में, तो मिलती हूँ आपसे और एक इंटरेस्टिंग ब्लॉग में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि आपकी मुस्कान हर एक समस्या का समाधान कर सकती है। स्माइल कैन चेंज द वर्ल्ड। लव यू, बाय बाय, गुड नाइट। Let me say